अरे सामने देखो भाई, अगर वो नहीं आती तो मैं आज कल्टी मारता। और जब वो आपको बिल्कुल भी भाव नहीं देगी तो फिर आप क्या करोगे भाई? झिंगूर जैसी बातें मत कर। ओके, प्लीज आप अपने अपने मोबाइल और पर्स का ठीक से ख्याल रखिएगा। मेरे सिवाय किसी भी लड़के को चेकआउट मत कीजिएगा। गेट रेडी, वी आर विजिटिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स ऑफ इंडिया। इस फोर्ट को मेहरानगढ़ फोर्ट कहते हैं। महाराज राव जोधा जी ने सन 1459 में इस किले की नींव रखी थी और इसे बनाने में उन्हें पूरे 100 साल लग गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस किले में हर एक चीज हाथ से बनाई गई है। कोई मिसिंग है शायद? नहीं तो सब यहीं पर हैं। दैट येलो ड्रेस राधा। ओह गॉड, वेयर शी गो? वेयर शी गो? मैंने कहा था ना आपको, कोई भी अकेला नहीं घूमेगा, सब साथ में रहेंगे। जाइए ढूंढिए उसे। ए झिंगूर, तू उस तरफ जा। मैं यहां जाके देखता हूं। उस तरफ चलो राधा। मुझे फोर्स मत करो, मैंने कहा ना कि वो मुझे पसंद नहीं है। प्लीज मुझे बार बार परेशान मत करो, मुझसे मेरी आजादी मत छीनो। ये बेचारी तो टेंशन में लग गई। कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। राधा जी, इज एवरीथिंग ओके? अरे आप तो रो रही हैं, भूख लगी है क्या? बहुत मस्त लंच है, पैकेज में इंक्लूडेड भी है। आइए आइए आइए। नहीं मैं नहीं आऊंगी। अरे इसकी तो। राधा जी, ये सुसाइड पॉइंट है। मैं यहाँ आत्महत्या ही करने आई हूँ। आत्महत्या? अरे तो फिर लंच कौन खाएगा यार? पहले आकर खा लो फिर ये सब कर लेना, मैंने फ्री में इंक्लूड करवाया है। अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया ना तो मैं नीचे कूद जाऊंगी। ओ ओके ओके ओके, तो आपने पक्का फैसला कर लिया। एनीवे, हैप्पी जर्नी। अच्छा, और कूदने के बाद चिल्लाना मत, कोई सुन नहीं पाएगा। गुड लक। आंखें खोलो, तुम अभी जिंदा हो। कुछ लोग ये रास्ता अपनाते हैं लेकिन कुछ अपनी मुश्किलों से हंसकर लड़ते हैं। देखो, मौत को तुम्हारा पीछा करने दो लेकिन खुद मौत की तरफ मत भागो। अगर तुम अपनी मौत से नहीं डरती तो अपनी समस्या से क्यों डरती हो? भाई, आर यू ओके? ऑल ओके। Ready? हाँ, okay, okay. Come on, help me! Show the power of woman! Come on, guys, go in for Aisha! 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 अगर भाई नहीं होता ना तो अब तक आपका टिकट कट गया होता। लोग घूमने आते हैं, तुम सुसाइड कर रही थी, दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? भाई, ठंडा, ठंडा रख। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे घर वालों को हम क्या जवाब देते? हाँ, ये सब करने की क्या जरूरत थी राधा? ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारे साथ? प्यार में इतना पागलपन? प्यार कहाँ से आ गया बीच में? बाद में बात करेंगे। थैंक यू। चलो, थैंक यू सर। नमस्ते। चलो राधा। क्या हटेली लड़की है भाई। अब ये पागल कहां जा रही है? हाय। हाय। ब्रेकअप हुआ? चाइल्डहुड लव स्टोरी टाइप का है कुछ? तो कॉलेज में कोई फ्रेंडशिप, लव, ब्रेकअप? नहीं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर मिले, पिकअप, ड्रॉप, फिर लव, फिर धोखा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तो फिर आपकी प्रॉब्लम क्या है मैडम? हर साल जब मैं छुट्टियों में अपने गांव जाती हूँ तो मेरा स्वयंवर करवाते हैं। स्वयंवर? लास्ट टाइम एक लड़का आया था, वो मुझे पसंद भी बहुत था लेकिन प्रपोजल राउंड से पहले ही उसे एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट किया?
तुम्हारे स्वयंवर में घर वालों ने एलिमिनेट किया। हाँ, और अब किसी और लड़के को चुन लिया है और उससे शादी करवाने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। तो ये है तुम्हारी लव स्टोरी। इसे लव नहीं कहते, आकर्षण कहते हैं। हाँ? प्यार इतनी आसानी से नहीं होता मैडम, उसकी फीलिंग ही कुछ और होती है। जब प्यार होता है ना तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। रियली? देखो मिस राधा, जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए ना तो उसका सलूशन ढूंढना चाहिए। और जब तक हम जिंदा हैं हमें खुश रहना चाहिए। गौतम बुद्ध ने क्या कहा है पता है? अगर हमारे मन पर हम खुद नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हमारा मन हम पर नियंत्रण रखेगा। ओ हाँ? थैंक यू बुद्धा।